नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल रूट 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की खबर देखें सिद्धार्थनगर से। सिद्धार्थनगर के माधव प्रसाद त्रिपाठी चिकित्सा महाविद्यालय के डॉक्टर पर क्लरिकल स्टाफ ने शोषण का आरोप लगाया है। डॉक्टर की कार्यशैली से नाराज स्टाफ डॉक्टर पर कार्यवाही की मांग को लेकर मेडिकल कॉलेज के गेट पर धरने पर बैठ गए। जी हां, खबर निकलकर सामने आ रही है सिद्धार्थनगर से। धरने पर बैठे स्टाफ ने मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर मोहम्मद अजमल पर आरोप लगाते हुए कहा कि डॉक्टर अजमल आए दिन जबरन दस्तावेजों की फोटो लेते हैं और कर्मचारियों को, खासकर महिला कर्मचारियों से बदसलूकी करते हैं, फोटो भी खींचते हैं। आज भी उन्होंने अटेंडेंस रजिस्टर सहित अन्य दस्तावेजों की फोटो खींची तो वहां मौजूद स्टाफ ने उन्हें मना किया। स्टाफ का कहना है कि डॉक्टर अजमल ने वहां मौजूद स्टाफ को गालियां देते हुए अपशब्द बोले। डॉक्टर अजमल के इस व्यवहार से नाराज क्लरिकल स्टाफ धरने पर बैठ गया और उनके खिलाफ कार्यवाही की मांग करने लगा। इस मामले में मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल सलिल श्रीवास्तव ने बताया कि मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर अजमल के खिलाफ इस तरह की शिकायतें काफी दिनों से मिल रही थीं। आज की घटना की उन्हें जैसे ही जानकारी हुई तो उन्होंने डॉक्टर अजमल से बात की। डॉक्टर अजमल इस तरह की किसी भी बात से इनकार कर रहे हैं। प्रधानाचार्य ने बताया कि स्टाफ आरोपों को देखते हुए एक जाँच कमेटी का गठन किया गया है। रिपोर्ट आने पर संबंधित के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। मेरा नाम अंकिता पांडे है, मैं यहाँ पे मिनिस्ट्रियल एंड सेक्रेटरियल असिस्टेंट के पद पर कार्यरत हूँ। दरअसल बात यही है कि हम लोगों के ऊपर आरोप लगाया गया है कि यहाँ पे हम लोग दस्तावेजों के साथ कुछ हेराफेरी करते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे स्ट्राइक पर बैठे हैं। एनाटॉमी विभाग के हैं डॉक्टर मोहम्मद अजमल। हम लोग की मांग यही है कि उनके खिलाफ कुछ आगे कार्रवाई की जाए, उसके बाद ही हम लोग अपने कार्य पर आगे जाएंगे। सर सर बैठे रहेंगे यहीं पर जब तक नहीं होगी। श्रीवास्तव नाम है हमारा। मामला ये है कि हमारे वहाँ एनाटॉमी विभाग में एक डॉक्टर मोहम्मद अजमल सहायक आचार्य कार्य करते हैं। उनके द्वारा अपने दैनिक उपस्थिति पंजिका पे प्रतिदिन साइन करने जब वो आते हैं तो रिकॉर्डिंग करते हैं। आज हमारे साथी भाई ने जब उसका विरोध किया तो उनको अनधिकृत रूप से कार्य करने और सरकारी दस्तावेजों के साथ हेराफेरी करने का आरोप लगाते हुए विरोधाभास शब्दों का प्रयोग करते हुए अभद्रता का व्यवहार किया, जिससे हम सब लोग स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं कि जब तक उनके द्वारा उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं होगी हम लोग कोई भी कार्य नहीं करेंगे। वो जब तक उनके खिलाफ कोई उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जाती है प्रशासन की तरफ से, तब तक हम लोग स्ट्राइक करेंगे, कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा हमारे द्वारा। प्रिंसिपल सर के मामले संज्ञान में है, प्रिंसिपल साहब अपनी तरफ से कार्यवाही करेंगे। कुछ आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के कुछ लोग ये आरोप लगा रहे हैं यहाँ के एनाटॉमी के डॉक्टर के डॉक्टर पर कि वो दस्तावेजों की फोटो लेते हैं और साथ ही साथ वो उनसे बदतमीजी से बात करते हैं, तो देखिए अभी हमको भी सूचना मिली है कि जो है कुछ हमारा जो क्लरिकल स्टाफ है वो अपनी कक्ष में था तो एक डॉक्टर अजमल हैं वो उनके बारे में ये भी मुझे पता चला कि कई दिनों से वो लगातार सब जगह की फ़ोटो लेते हैं। इनफैक्ट कुछ हमारी ट्यूटर्स ने जो लेडी ट्यूटर्स उन्होंने कंप्लेंट भी किया, उसमें हमने समिति भी बनाई कि ये बराबर फ़ोटो लेते हैं और हम लोगों का हरेसमेंट करते हैं। ट्यूटर्स ने एनाटॉमी डिपार्टमेंट के ही किया था। फिर उसके बाद आज एक डॉक्टर लोग बता रहे हैं, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मैंने फ़ोटो नहीं लिया है। मैंने कहा आप श्योर हैं, तो कहने लगे हाँ श्योर हूँ, और फिर उन्होंने फोन काट दिया, फ़ोन अटेंड नहीं कर रहे। और ये सारे लोगों ने बात कही, अब मैं अभी इनसे कंप्लेंट लेके ये अपनी कंप्लेंट दे दें तो उसके हिसाब से मैं एक जाँच समिति बना देता हूँ और प्रशासन को इन्फॉर्म कर देता हूँ। अभी तो यही हो सकता है, जैसे ये लोग कह रहे हैं कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम धरने पर बैठे रहेंगे। अब हम उनको समझाते हैं, कार्रवाई देखिए ऐसे तो होती नहीं भाई, हम अकेले खुद कार्रवाई नहीं कर सकते जब तक कि जांच समिति रिपोर्ट न दे। मैं समझाऊंगा, रिक्वेस्ट करूंगा भाई आप लोग धरना समाप्त कर दीजिए, काम करिए, जाँच समिति बना रहे हैं, जो रिपोर्ट आएगी वो कार्रवाई होगी, और क्या किया जा सकता है। देखिए कानून तो कोई हाथ में नहीं ले सकता, ना हम ना वो ना डॉक्टर अजमल, कोई भी नहीं।